तो दोस्तों एसआरबी की तरफ से एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कुछ वैकेंसी आए हैं, उनको देखते हैं। तो ये वैकेंसीज कौन कौन से पोस्ट के लिए आई है, नेट मतलब यहाँ से आप लेक्चरर ये सब में जा सकते हैं, एसएमएस सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एसटीओ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट्स हैं ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें देख लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्ट, मतलब कब से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो है 22 मार्च 2023 से 10 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट और टाइम फॉर्म का कब है, 10 अप्रैल 2023 5 बजे शाम तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा नेट एसएमएस एसटीओ का, वो 26 से 30 अप्रैल के बीच में ही हो जाएगा। फिर सेंटर अभी आगे देख लेंगे कहाँ कहाँ सेंटर आप भर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये जनरल का जो है, अगर आप केवल नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, केवल नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। और अगर आप केवल एसएमएस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये देना है। और अगर केवल एसटीओ के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंज करके देखते हैं, अगर आपको नेट और एसएमएस दोनों फॉर्म को भरना है तो आपको 1500 रुपये पे करना होगा। और अगर आप इन तीनों को भरना चाहते हैं तो आपको मतलब जनरल सीट पे 2000 देना पड़ेगा। और वही ओबीसी की बात करें तो 500 500 500 है, और एससी एसटी वालों के लिए नेट के लिए 250 है, और एसएमएस और एसटीओ पर उन्हें कोई फीस नहीं देनी है, कोई मतलब पैसा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो या तो हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अगर इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका सेंट्रल मतलब सेंट्रल की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज, तो सेंट्रल वाइज वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो उन्हें जनरल का एग्ज़ाम मतलब एज ए जनरल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स हैं वो केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, एक से अधिक एप्लीकेशन को मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म को वो सबमिट नहीं करेंगे। तो जैसे कभी कभी होता है कि एक ही कैंडिडेट 2 या 3 एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो आप लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे वही आपका मान लिया जाएगा, और बाकी दूसरे दो कैंसिल हो जाएंगे और उसका फीस भी आपको वापस नहीं होगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त होने चाहिए। जैसे ये पहली बात तो नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, आपका नेम जो मार्कशीट पर है वो होना चाहिए, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस, ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब, डिग्री आपके पास, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, ये सब होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। और फोटो की बात करें तो फोटो 150 KB मैक्सिमम साइज फोटो का 150 KB है, और जो फोटो होगा वो टोटल स्पेस का 2/3 होगा। मतलब जैसे ये हमारा फोटो है तो इसका 2/3 कितना होगा, जैसे ये 2/3, तो यहाँ ये 2/3 स्पेस में मतलब इतने वाले एरिया में केवल फेस होना चाहिए, इतने वाले एरिया में केवल फेस होना चाहिए। और ये ध्यान देना है आपको, डेबिट कार्ड ये सब होना चाहिए मतलब, और एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, ऐसा ईमेल आईडी होना चाहिए जो आपका खुद का हो। सेंटर फॉर नेट, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब सेंटर्स पे आप भर सकते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर तो उत्तर प्रदेश से हैं तो लखनऊ ऑप्शन में है, आप लखनऊ भर सकते हैं। मध्य प्रदेश हैं तो भोपाल, मतलब ये सब सेंटर्स, काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एक बार जो सेंटर आप भर देंगे वो दोबारा चेंज नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, मतलब इसमें जैसे नॉर्मल फॉर्म में मॉडिफाई करने के लिए डेट आता है, इसमें नहीं आएगा। अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के लिए देख लेते हैं क्या क्या कुछ ज़रूरी है। तो इसमें आप ये फॉर्म भरने के बाद आप लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और अदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाएंगे। तो रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें यह है कि जो आपका मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जो आप फॉर्म भर रहे हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम, वो 30/9/2023 तक कम्प्लीट हो जानी चाहिए, के पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2023 तक आप 21 साल आपका अटेंड हो गया हो, मतलब 1 जनवरी तक आपने 21 साल को अटेंड कर लिया हो तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 1 फरवरी 2023 को आप अगर 21 साल के हुए हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में है कि आप कितना भी बार इसको इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। सिलेबस इस वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में देखते हैं तो इसमें है कि 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, और 2 घंटे के लिए होगा। और इसमें क्या है कि 1/3 मार्क आपका एक गलत आंसर पे कट कर दिया जाएगा। और जनरल के लिए 150 में 75 नंबर, मिनिमम 75 नंबर होना चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए, 75 मतलब 150 का 50% होना चाहिए। ओबीसी के लिए 67.5 है, एससी एसटी के लिए 60 नंबर है, मतलब इतना होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के लिए देखते हैं, जैसे आप
एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें से कोई भी आपके पास डिग्री होगी चलेगी। जैसे आप सॉइल साइंस से हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर सॉइल साइंस, सॉइल एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये सब डिग्री आपके पास। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बात करें तो जो पे स्केल है वो पे स्केल मतलब इतना सैलरी आपको लगभग मिलने वाला है, और आपका जो नौकरी होगी वो कृषि विज्ञान केंद्र पर लगेगा। और वैकेंसी आगे देख लेते हैं, और इसकी बात करें तो इसमें कुछ जैसे उसमें था कि 9/2023 में आपकी डिग्री कंप्लीट होना था, और यहाँ पे यह है कि आपका 10 अप्रैल 2023 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, इससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं इस साल तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, भर भी सकते हैं तो मतलब क्वालिफाई करने के बाद भी आप इंटरव्यू के लिए छट जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 साल से कम, तो 21 से 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए एज 10 अप्रैल 2023 तक। सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे, और ये वहीं पे मतलब किस जगह पे कितना पोस्ट खाली है, तो जैसे एक देख ले रहे हैं देवरिया उत्तर प्रदेश, तो ये जो IIBR है वहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए एक सीट खाली है, होम साइंस के लिए एक जनरल सीट खाली है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये इस तरह से है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये सब पूरा देख सकते हैं। और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का ये कुछ क्राइटेरिया है, मैक्सिमम मार्क्स 150 का, मतलब 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे के लिए, और इंटरव्यू भी होगा 30 नंबर का। तो जो सिलेक्शन है वो 150 और 30 को जोड़ के सिलेक्शन किया जाएगा, मतलब 180 नंबर में आपका कितना नंबर आता है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू में क्या क्राइटेरिया होगी, 1:5 का रेशियो रहेगा, मतलब 5 स्टूडेंट्स का एक साथ एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, और उनमें से 4 को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और एक का सिलेक्शन हो जाएगा पोस्ट के लिए। ये रूल्स फॉर टाई ब्रेकर क्या है, इसमें यह है कि अगर कोई 2 या फिर उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स इक्वल नंबर पा लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू वाले मार्क्स को दोनों को मिला के अगर उनका मार्क्स बराबर हो जाता है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होगी सिलेक्शन की। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट्स ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर पाया है, जिसका रैंक अच्छा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों ने ऑब्जेक्टिव में एक ही नंबर पाए हैं तब देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट सीनियर है एज में तो उसको उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला वाला तो आपके बेसिस पे है, आप जितना मेहनत करेंगे ऑब्जेक्टिव में आपका ज़्यादा नंबर आएगा, लेकिन दूसरा वाला तो आपके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आपका एज आप बढ़ा घटा नहीं सकते। तो दोस्तों यही था नेट SRB सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।